नमस्कार, आज हम आपको संप्रेषण के प्रतिरूप के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिरूप यानी मॉडल का प्रयोग तकनीकी एवं वैज्ञानिक जैसे अभियांत्रिक व जीव विज्ञान आदि तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार से जुड़े अध्ययन क्षेत्र में जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान एवं प्रसार शिक्षा में भी इसका उपयोग हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि यदि आपको ट्रैक्टर का के बारे में जानकारी लेनी है, उसके कलपुर्जों उस वो कैसे कार्य करता है इसके बारे में जाना है, तो ट्रैक्टर नहीं लाया जा सकता, परंतु हम ट्रैक्टर का प्रतिरूप या मॉडल आपके सामने लाके उसके कलपुर्जों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं इसके विषय में जानकारी दे सकते हैं। तो आज हम संप्रेषण के प्रतिरूप के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिरूप के क्या गुण हैं। प्रतिरूप एक प्रक्रिया का चिन्हात्मक प्रतीक है। इससे हमें किसी भी के बारे में ढांचा एवं ध्याय को दर्शाता है। जैसा कि यदि हमें कोई घर लेना है तो पूरा घर नहीं देखना चाहते, परंतु हमें कोई मॉडल या उसका प्रतिरूप दिखा दिया जाता है कि कहाँ पे कमरा होगा, कहाँ पे किचन होगा, तो ये एक ढांचा एवं क्या उसकी उपयोगिता है इसके बारे में भी हमें प्रतिरूप से जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त ये विभिन्न घटकों के आपसी सहसंबंध के को समझने में भी सहायक है। अब मैं संप्रेषण के प्रतिरूप के उद्देश्य के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। यह संप्रेषण की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, सोर्स, मैसेज, चैनल अथवा रिसीवर। सो सबसे पहले क्या आता है, स्रोत आता है, फिर संदेश आता है, फिर माध्यम आता है, फिर रिसीवर आता है जिसे हम अभिग्राही कहते हैं। तो संप्रेषण के जो प्रतिरूप है ये विभिन्न घटकों में आपसे संबंध के विषय में हमें जानकारी दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त ये संप्रेषण की समस्याओं को समझने के लिए भी सहायक हैं। जैसा कि यदि जो स्रोत है वो ठीक से कोई संदेश नहीं दे पा रहा, तो उसमें क्या समस्या है इसके विषय में हम जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार से कभी किसी माध्यम में किसी तरह की खराबी आ गई तो वहीं पे हमें पता चल सकता है कि ये यहाँ पे कोई समस्या है। तो ये हमें इस प्रकार से ये संप्रेषण की समस्याओं को ढूंढने में ये हमें सहायक हो सकते हैं। अब मैं संप्रेषण से प्रतिरूपों के बारे में चर्चा करने से पहले संप्रेषण के जुड़ी कुछ अवधारणाओं के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले है इनकोडिंग स्किल्स। इनकोडिंग स्किल जिसे हम कूट लेखन कहते हैं वो दो तरह की है, जिसे हम स्पीकिंग या राइटिंग, बोलना और लिखना। जैसे कोई भी संदेश या तो हम बोलकर दे सकते हैं या लिखकर दे सकते हैं। इन्हें हम किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया को सफल होने में ये इनकोडिंग स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। डीकोडिंग स्किल्स ये भी दो तरह की होती हैं, जो हम देखकर, एक पहली है देखकर, दूसरी है सुनकर। तो डीकोडिंग स्किल अधिकतर अभिग्रही द्वारा प्रयोग की जाती हैं। आखिरी जो स्किल है या जो कौशल जो सभी में होना चाहिए वो है थिंकिंग या सोच। इसके बिना कोई भी संप्रेषण प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। अब मैं संप्रेषण के
प्रतिरूप जो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो संप्रेषण का प्रतिरूप है वो अरस्तु द्वारा दिया गया, जो उसने तीन अवयव या तीन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया। पहला है वक्ता, दूसरा है वक्तव्य, तीसरा है श्रोता। इसका मतलब है स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। तो ये सबसे पहला जो संप्रेषण का प्रतिरूप है ये अरस्तु ने दिया। तो यदि हम बर्लो द्वारा जो संप्रेषण का मॉडल दिया है उसको हम यदि देखें, इसमें मुख्यतः छः भाग हैं, सोर्स, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर और रिसीवर। ये मैं आपको एक उदाहरण द्वारा इसके ये स्पष्ट करती हूँ। जैसा कि यदि रेडियो पे एक विषय विशेषज्ञ ने कृषकों को जानकारी देनी है तो वे रेडियो स्टेशन पे जाके वो एक स्रोत है, वो अपने कुछ भी जो जानकारी देना चाहता है वो एक रेडियो स्टेशन पे देता है। तो वहाँ से ट्रांसमीटर जो इनकोडर है जो संदेश को ग्रहण करके ट्रांसमीटर द्वारा उस संदेश को जो चैनल जो है हमारी ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे द्वारा वो आपका जो रेडियो स्टेट है जिसे हम डिकोडर कहते हैं, जब आप उसे ऑन करते हैं वो सारी ध्वनि तरंगे उसमें रिसीव करता है या प्राप्त करता है। तो आप जब उसे सुनते हैं आप अभिग्रही हैं और रिसीवर है। तो इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि जो डिकोडर इसमें है वो आपका रिसीवर या रेडियो सेट है। इसी प्रकार से टेलीफोन में भी जो जब हम टेलीफोन किसी को करना चाहते हैं तो आप जो सोर्स हो आप पहले शब्दों का चयन करते हो, और जब आप टेलीफोन को अपने हाथ में पकड़ते हो और कोई भी संदेश जो आप देना चाहते हो वो टेलीफोन की तारों द्वारा उसमें संदेश जो है एक उसमें पहुंचता है, और इसमें भी हवा की ध्वनि तरंगे एक तरह से आपका माध्यम है, और जो रिसीवर की घंटी बजती है वो डिकोडर है आपका, और आप जब उसको कान पे लगाते हो और सुनते हो तो आप एक अभिग्राही के रूप में उसे सुनते हैं। तो ये दो उदाहरण मैंने आपको दिए जो कि स्रोत कूटलेखन, संदेश माध्यम कूटवाचक और अभिग्रही, इस प्रकार से ये मॉडल पूरी तरह से हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर हम जैसे रेडियो संसाधनों के लिए या इलेक्ट्रॉनिक जितने संसाधन हैं उनके लिए हम इस तरह का मॉडल का प्रतिरूप प्रयोग करते हैं। दूसरा जो मॉडल है वो लीगन्स द्वारा दिया गया है। इसने भी छः अवयवों या एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है। उसमें सबसे पहला है संप्रेषण, दूसरा है संदेश, तीसरा है माध्यम, उपचार, श्रोता, प्रतिक्रिया। तो इसमें जो सोर्स है, सोर्स जैसे आप विषय विशेषज्ञ हो तो कोई भी विषय जो आपको किसानों तक पहुंचाना है उस संदेश को आप चुनते हो, किस भाषा में पहुंचाना है ये निश्चित करते हो, और किसके द्वारा पहुंचाना है, आपको रेडियो द्वारा पहुंचाना है या आपको टेलीविज़न द्वारा पहुंचाना है, तो उस माध्यम को आप निश्चित करते हो। और उपचार इसमें ये है कि आप संदेश किस प्रकार देते हो, या वार्ता के रूप में रेडियो में देते हो या आप किसी खबर के रूप में रेडियो में उसे प्रचारित करते हो, या किसी तरह न्यूज़पेपर में भी उपचार से संबंध है कि आप पहले कौन सा से पहले इंट्रोडक्शन दोगे, फिर आप क्या कहना चाहते हो, फिर उसका निष्कर्ष निकालोगे, उसे हम उपचार कहते हैं। फिर वो श्रोता जिसे हम अभिग्राही कहते हैं, वो लोगों तक जो उसे जो भी संदेश दिया गया है उसका अर्थ निकालते हैं, उसको समझते हैं। और अंत में जो इसमें एक लीगन्स के मॉडल में प्रतिक्रिया,
को उसने दिया है। प्रतिक्रिया से हमारा संबंध ये है कि जिसे हम फीडबैक की कहते हैं। फीडबैक ये श्रोता द्वारा दी जाती है, या तो फीडबैक वो कोई सी प्रश्न के रूप में दे सकता है, या वो टेलीफोन द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया स्रोत तक पहुंचा सकता है कि उसको संदेश समझ में आया या नहीं आया। यदि उसे कोई संदेश अच्छे प्रकार से उसको कोई उसमें डाउट है तो वो लिखकर भी उसके बारे में जानकारी दे सकता है। और प्रतिक्रिया से हम अपने कोई भी संदेश दे रहे हैं या संप्रेषण की प्रक्रिया का अवलोकन कर सकते हैं कि वो ठीक तरह से अभिग्रही तक पहुंची है या नहीं पहुंची। तो ये एक संचार प्रतिक्रिया का मुख्य अंग है। तो प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से जैसा मैंने बताया कि हमने संचार के कुछ प्रतिरूप या मॉडल के बारे में अभी चर्चा की। सबसे पहला जैसे मैंने बताया कि अरस्तु का मॉडल है, जिसमें कि वक्ता, वक्तव्य और श्रोता है। उसके बाद बर्लो द्वारा मॉडल दिया गया है। तो मॉडल जो है वो हमें संप्रेषण की प्रक्रिया को ठीक से समझने में सहायता करते हैं। तो जो अभी हमने अभी तक चर्चा की वो है प्रतिरूप या मॉडल क्यों आवश्यक है। ये हमें कोई भी सैद्धांतिक या थ्योरी को सही ढंग से बताता है और विभिन्न घटकों में क्या संबंध है उसके बारे में दर्शाता है। ये एक चिन्हात्मक प्रतीक है और संप्रेषण की प्रक्रिया के विभिन्न मॉडल जो हमने अभी आपके सामने रखे हैं वो है अरस्तु द्वारा दिया गया मॉडल, बर्लो द्वारा दिया गया मॉडल और लीगन्स द्वारा दिया गया मॉडल। तो आपसे अंत में ये कहना चाहती हूँ कि संप्रेषण जो प्रतिरूप है वो हमें किसी भी प्रक्रिया को समझने में बहुत सहायता करते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। परंतु इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मैनेज की वेबसाइट पे जा सकते हैं और जो रेफरेंस मटेरियल आपको दिया गया है उसको भी आप रेफर करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।